के बाद खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कैंपस में कैंटीन के अंदर फायरिंग हुई है। कैंटीन टेंडर और अवैध वसूली को लेकर यह फायरिंग हुई है, यह आरोप लग रहा है। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में एक महिला घायल हो गई। फायरिंग की यह घटना कैंटीन में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची, आला अधिकारी भी पहुंचे। पूरी घटना की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। मौके पर पहुंचने पर जांच से कैंटीन का काउंटर टूटा हुआ पाया गया। कैंटीन मालिक की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में आरोपियों के विरुद्ध उचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी एवं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हेतु दो टीमों का गठन किया गया है। खबर अमरोहा से, जहां पर आम के बाग में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये मामला नगली गांव के ढक्का मोड़ का है, जहां शव बरामद किया गया। रशाजापुर में दबंगों ने एक महिला होमगार्ड के मकान को कब्जे में लेने की कोशिश की। कब्जा करने घर में घुसे दबंग सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुए हैं। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आधा दर्जन दबंगों के खिलाफ केस दर्ज किया। विरोध करने पर दबंगों ने महिला के साथ मारपीट भी की। थाना सदर बाजार का ये मामला है। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर झूठा केस लिखाकर पुलिस को गुमराह करने वाले आरोपी रामलखन और उसके दोस्त की रवि को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक शातिरों ने अपने विरोधियों को फंसाने के मकसद से ही सारा जाल बुना था। पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल की तो सारा सच सामने आ गया। बता दें कि 30 अगस्त को आरोपियों ने पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। खबर सोनभद्र से, जहां पर बारिश से राहत मिली है लोगों को। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जिले के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। बारिश से किसानों के चेहरे खुल उठे। ओबरा व उसके आसपास के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बादलों ने जमकर बरसात की है। उधर बरेली में एक युवक ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अनस अंसारी है, जो कि हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिठोरा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि बाबा पर मौत मंडरा रही है। ये खबर सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक चैट वायरल की थी, जिसमें एक सनातनी धर्म प्रचारक को जान से मारने की धमकी देने और अन आपत्तिजनक जो है टिप्पणियां की थी। इसके संदर्भ में थाना हाफिजगंज में 295 AIPC, 506 IPC व IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और शेष आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित कराई जा रही है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दे कॉन्टेस्ट के बारे में। अपने नन्हे नटखट के कई रूप आपने शेयर किए होंगे। अब अपने नन्हे नटखटों को लोगों को दिखाइए कान्हा के रूप में। हिस्सा लीजिए नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट में। व्हाट्सएप कीजिए नन्हे कान्हा की तस्वीर और मौका पाइए शानदार इनाम जीतने का। साथ ही अपने कान्हा को न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दिखाने का भी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।